हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल सारे अनु। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, कीपिंग योरसेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल्स अराउंड, बिकॉज इट्स अ मस्ट टू से। सो गाइस, as you have seen the thumbnail, so today's video is like a huge, it's a huge Ajio sale haul, and I am very super excited to share with you all the clothes. like मैंने इतनी सारी चीजें मंगाई हैं उसमें, tops मंगाए हैं, t-shirts मंगाई हैं, suit मंगाए हैं, kurtas मंगाए हैं, and I am very excited, मतलब इतना excited कि आप मेरे मतलब आवाज़ से ही समझ रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ बताने के लिए। सो दिस इज़ माई फर्स्ट आजियो हॉल, और सीधा मैंने ये फेस्टिव सीजन सेल का हॉल आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट स्टार्ट विद द वीडियो, क्योंकि हॉल ये ह्यूज है, ये सिर्फ फाइव समथिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे क्लोथ है, टोटल आई थिंक 9 या 10 हैं सबको मिला करके। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज चालू करेंगे, सबसे पहले हम टी शर्ट्स के बारे में बात करेंगे, देन हम आएंगे टॉप्स के ऊपर, देन सूट कुर्ता सेट टॉप कुर्ता सेट्स के ऊपर। सो जो सबसे पहला है वो है ये है आइसनरी बाय वेरो मोडा फ्लोरल प्रिंटेड टॉप, इट्स लाइक इन टी शर्ट टॉप, बिल्कुल टी शर्ट की तरह है, बस है ये एक टॉप। और मैंने इसमें दो कलर्स मंगाए थे, तो मैं दोनों को संग में ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो जो फर्स्ट टॉप था वो ये था ब्लैक फ्लोरल प्रिंट टॉप, एंड आई वाज लाइक शॉक टू वॉच दिस, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, उसके जो ब्लैक और फ्लोरल का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो जो इसका फैब्रिक था वो था पॉलिस्टर, एंड इट वॉज इन रिलैक्स फिट, और मैंने अपना साइज मंगाया था इसमें एल, जो कि मुझे था हल्का लूज। और जो इसका फैब्रिक की बात करें तो मैं देना चाहूँगी इसको 8/10, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा क्रीप मिक्स था एज आई कैन से पॉलिस्टर के संग, और संग में जो इसका फिट था वो भी 8/10, क्योंकि इस पार्ट से थोड़ा लूज था, जैसे ये वाला टॉप भी लूज है ना, लूज तो वो भी थोड़ा लूज था कि बिल्कुल फिट टू साइज नहीं था, रिलैक्स्ड वाला था। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन, और यही पैटर्न में मैंने सेकेंड मंगाया था, कलर वो था लेवेंडर, बट इट वॉज नॉट एन लेवेंडर एट ऑल, लेवेंडर सिर्फ फ्लोरल फ्लावर्स थे उसमें, और प्रॉपर वो क्रीम कलर का, क्रीम भी नहीं डार्क क्रीम कुछ कलर में था, एंड द साइज वॉज एल, विच इज अगेन लूज, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न के थे। इट वॉज एन रेगुलर प्रिंटेड फ्लोरल टॉप, और जो इसका फैब्रिक था वो सेम पॉलिस्टर था, एंड द प्राइस वॉज 297, और ब्लैक वाले के प्राइस तो बताना आपको भूल ही गई, तो ब्लैक वाले के प्राइस था 362, एंड इसका जो मेन प्राइस थे वो बहुत हाई 850 समथिंग के थे, और हमें बहुत अच्छे सेल वाले डिस्काउंट में मिले, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ये दोनों। तो ये था सेकंड वाला, फर्स्ट वाला भी आपने दोनों संग में देख लिए, तो दो पार्ट तो अपने ऐसे ही ख़त्म हो गए। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, थर्ड जो मैंने पहना हुआ है, या दिस इज सच ए ब्यूटीफुल टॉप, इतना ज़्यादा सुंदर टॉप है, और मल्टी कलर, ये जो ज्योमेट्रिक बॉक्स स्क्वायर वाले बॉक्स बन के पूरा ये फ्लफी सा टॉप है ना, इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर जा रहा था। तो मैं इसका पूरा नाम बता देती हूँ आपको, तो दिस वॉज इन टीओर चेक्ड टॉप विथ शॉर्ट स्लीव्स, इसकी शॉर्ट स्लीव्स हैं एज यू कैन सी, इतनी ही है, पफी स्लीव्स हैं, और ये फ्रिल लगी हुई है, बिल्कुल फ्रिल वाला टॉप था। जो ये टॉप है वो मल्टी कलर में है, एंड द फैब्रिक वॉज पॉलिस्टर अगेन, और इसका पॉलिस्टर और उसके पॉलिस्टर में बहुत अंतर है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कम्फर्टेबल पॉलिस्टर है, एंड दैट वॉज लिटिल हार्श टू माई बॉडी, और इट ये भी एक रिलैक्स्ड फिट टॉप है, ये थोड़ा क्या मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज है, और मैंने इसमें साइज मंगाया था एल, एंड आई शुड ऑर्डर एम, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी। सो द फिट इज 8/10, एंड द फैब्रिक इज 10/10, बिकॉज पॉलिस्टर में भी सॉफ्ट वाला था, तो नो इशू। सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ, सो फोर्थ भी एक टैंक टॉप था, एंड अनकंफर्टेबल एंड वेरी मच डिस्गस्टिंग। सो बेसिकली आई हैव ऑर्डर्ड दिस टॉप, और मैं इसकी वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ दिस वन। तो दिस वॉज एन ऑरेंज टॉप, जो कि ऑरेंज तो बिल्कुल नहीं आया था, बट मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर अगर मुझे लगेगा तो मैं शो कर दूंगी, देख लेना।
सो मैंने इसमें साइज लिया था एल, ये ऑरेंज कलर का था, बट ये इट वॉज नॉट एन ऑरेंज एट ऑल, इट वॉज अ बर्नड ऑरेंज रस्टी कलर समथिंग लाइक दैट, और इसका साइज था एल जो कि मुझे बिल्कुल सही फिट नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एस साइज हो, और H&M का एस साइज तो बिल्कुल वही वैसा ही था, वैसा ही H&M के एस साइज जैसा ही था, और इसका जो फैब्रिक था वो था लिक्रा फैब्रिक था, विच वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, और जिसका प्राइस था वो था 308, प्राइस वॉज गुड बट द क्वालिटी वॉज नॉट गुड एट ऑल, तो इट इज अ बिग नो, इसको मत बाय करना बिल्कुल भी, बट मैंने आपको शो कर दिया है क्योंकि अब जो जो मंगाया है सारा शो करना तो बनता ही है, एंड चलिए तो ये था फोर्थ वाला, और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में जो कि है इतना ज़्यादा प्यारा टॉप, एक्चुअली आई लव्ड द कलर, मतलब जो इसका कलर था ना मजेंटा पिंक, बहुत ज़्यादा सुंदर था, और ये आया भी प्यारा था, सो आई शुड रीड द फुल नेम, तो ये था फायर रोज स्क्वायर नेक रिप्ड टॉप, एंड इट वॉज ना डार्क कलर ऑफ पिंक जो कि मजेंटा पिंक कोरल पिंक का था, द फैब्रिक वॉज लाइक्रा बट बिल्कुल भी लाइक्रा जैसा फील नहीं हो रहा था, इट वॉज लाइक कॉटन सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा था, एंड इट वॉज एन रिलैक्स फिट टॉप, और मैंने इसको साइज मंगाया था एल जो कि बिल्कुल ऑन टू साइज था, और थोड़ा लूज ही था मुझे, बट इसका जो कपड़ा था ना बहुत ज़्यादा मतलब फैलने वाला था, कि अगर आप वॉश के बाद इसको करोगे ना तो बिल्कुल लूज जाएगा, ये थोड़ी सी कमी मुझे इसमें लगी कि इसका कपड़ा श्रिंक हो सकता है, तो अगर आपको मंगाना है तो हमेशा कमी में मंगाना है इसको, सो दिस वॉज द फिफ्थ वन, आइए आगे बढ़ते हैं, तो आइए सिक्स्थ वाले पे, और अब हम चालू हो गए हैं सूट्स पे, तो सूट के पहला सूट है वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट सूट था और बहुत प्यारा लगा था मुझे जो कि है ये, सो दिस इज अ ब्लू सूट, और मतलब पूरा थ्री पीस सूट आया था ये, इसका मैं पढ़ देती हूँ आपको, इसका नाम है गुलमोहर जयपुरी फ्लोरल प्रिंट फ्लेयर्ड कुर्ता सूट सेट, जो फैब्रिक था कॉटन शिफॉन था, एंड द कलर वॉज ब्लू, एंड सूटों में मैं साइज हमेशा डबल एक्सल मंगाती हूँ, तो ये भी डबल एक्सएल में था और बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, लूज भी था ना तब भी सुंदर लग रहा था, इतना ज्यादा प्यारा लगा मुझे कि मैं प्यारा करती जा रही हूँ, इट वॉज सच एन ब्यूटीफुल वन, और जिसका फिट था 10/10, फैब्रिक 10/10, इतना स्टाइलिश और इतनी प्यारी इधर डिजाइन बना हुआ था, और बॉर्डर भी पूरी लेस बॉर्डर था, और चुन्नी में भी छोटे छोटे ब्रॉकेट से लगे हुए थे, आई एम जस्ट इमेजिनिंग ऑल इन माई हेड कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको पहना होता है, एंड आई एम डेफिनेटली गोना कीप दिस वन, तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, और इतना बढ़िया फ्लेयर्ड आ रहा था इसका, सो दिस वॉज द सूट, एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सूट जो कि है कियाना हाउस ऑफ फैशन से, और ये है फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता फ्लेयर्ड वाला विद दुपट्टा, इसमें पजामा या पेंट वीकेंसी नहीं था, पजामी और पेंट कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये अपने हाथ में ही इतना लॉन्ग था, और जो इसका पैटर्न प्रिंट पैटर्न था आई लव इट, मतलब मैंने इसको मंगाया ही इसके पैटर्न से था, और बिल्कुल मतलब जो इसकी लहर ऐसे जा रही थी ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ये कलर है ब्लू और इसका फैब्रिक था रेयन, और जो साइज़ मैंने लिया था वो डबल एक्सेल था, एंड द प्राइस सुनोगे ना तो आपको गे बस, इट वॉज जस्ट फॉर 738, मतलब 750 के अंदर मान लो, विच इज नॉट बैड एट ऑल, और जो इसका ओवरऑल फिट आया था ना बहुत प्यारा, और इसमें डोरी भी दी गई है कि आप इसको अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि कई सूट में डोरी नहीं होती तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे टैंक नाम दे दिया, सॉरी, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार से लगता है, तो ये वाला पार्ट मुझे ज़्यादा नॉट वाला पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है इसमें, और इसका पैटर्न प्रिंट बहुत अच्छा है, आँख बंद कर इसको ले सकते हो, ले लो, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं एंड वी नीड टू शॉप, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने एट्थ वाले पे, तो जो कि है ये, दिस इज फ्रॉम ईस्ट फ्लोरल प्रिंट स्टेट कुर्ता सेट, और ये क्रीम कलर का कुर्ता सेट था, विच इज लाइक माई हार्ट, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ये मेरे पे, और इसके जो
बाजू पे बिल्कुल फ्रिल वाली उन्होंने डिजाइन दे रखा था, और ये जो फ्लोरल प्रिंट के फ्लावर्स इसमें लगे थे, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन दे रहे थे, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, ट्रेंडी और नॉर्मल, मतलब जो गर्ल्स वगैरह के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बस उसमें थोड़ा सा ये था जो उसका कपड़ा था ना वो चुभने वाला था, क्योंकि उसके अंदर ना लेस सिल्वर कलर के कपड़े में वो लेस सी डली हुई थी जो कि थोड़ी सी चुभन वाली थी। वैसे इसका फैब्रिक कॉटन था, बट मुझे प्योर कॉटन तो नहीं लगा, क्योंकि एक तो चुभन के मारे और मतलब थोड़ा छूने में भी ऐसा लग रहा था दर्द दर्द दर, मतलब होता होगा, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा मिक्स ये लगा। वैसे ये पूरा पीस बहुत बहुत सुंदर है, चुन्नी इसके साथ नहीं आई थी, ये कुर्ता पैंट ही आया था जो कि टू पीस था। फिट इसका 10/10 9/10 आई कैन से, और जो फैब्रिक था फैब्रिक वॉज 8/10 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पार्ट एज आई सेड अर्लियर। दिस ये था हमारा 8th वाला, देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लगा है। एंड नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट कुर्ता सेट जो कि प्रॉपर 3 पीस है, सॉरी सो क्रीम वाला जो था वो उसके प्राइस मैं आपको बताना भूल रही हूँ, इट वॉज 736 विच इज नॉट बैड एट ऑल। कि प्रॉपर 2-3 हज़ार रुपये का सूट दिखा रहे थे उसमें, और सेल प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो जा कर के ले लो, मत छोड़ना। और अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट वाले पे, लास्ट था क्याना हाउस ऑफ फैशन से, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रेट कुर्ता सेट था, प्रिंटेड था, प्रॉपर ब्लू कलर का था, डार्क ब्लू कलर का था। पेंट इसकी थोड़ी छोटी थी, मतलब डबल एक्सेल मंगाया था मैंने, और डबल एक्सेल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, इवन दो द कुर्ता वॉज ऑल्सो लिटल अनकम्फर्टेबल, मतलब टाइट था थोड़ा सा एक्स डबल एक्सएल के हिसाब से, क्योंकि डबल एक्सएल में ना बहुत लूज आता है, वो बिल्कुल एक्सएल के बराबर भी कैसे एक्सएल या एल के बराबर था। और जो प्राइस इसका ये है वो है 790 का है ये, और प्राइस के हिसाब से थोड़ा मुझे महंगा ही लगा, क्योंकि ऐसा कुछ खासियत नहीं था, सिर्फ नॉर्मल प्रिंटेड था, कॉटन में था, ये अच्छी बात थी कॉटन। बट हाँ, खासियत इसकी ये कि इसकी चुन्नी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इसकी चुन्नी ना, सबको ही पसंद आई, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आई थी इसकी चुन्नी, में ना वाइट कलर और ब्लू कलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन लोगों ने दिया हुआ था, मैंने आपको इसमें दिखाई भी है, आप देख सकते हैं। और इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन नहीं था, वैसे इन्होंने कहा है कि प्योर कॉटन है, मुझे नहीं लगा, थोड़ा पॉलिस्टर इसमें मिक्स ही था। और फैब्रिक में मैं कहना चाहूँगी 8/10, और फिट में कहना चाहूँगी 9/10, क्योंकि बिल्कुल ही फिट था, तो 7/10 शुड आई गिव, तो हाँ, तो द फिट वॉज 7/10। सो दीज वर ऑल द ब्यूटिफुल कुर्ता सेट्स, टॉप एंड टी शर्ट्स विच आई हैव ऑर्डर फ्रॉम आजियो सेल। आजियो की बहुत ही ज़्यादा प्यारी फेस्टिव सीजन सेल चल रही है, जा करके बाय कर लो। आई होप आपको मेरे रिकमेंडेशंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको मेरे रिकमेंडेशंस और मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के संग में ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट करिए आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको कोई भी आपको अगर दिक्कत हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप नोटिफिकेटेड रहेंगे मेरी सारी न्यू वीडियोज़ के लिए। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।